बोलिए शंभू नारायण भगवान की जय। दोस्तों आज के इस वीडियो में धनु राशि वाले जातकों का जुलाई 2020 कैसा रहेगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसे जानने से पहले आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। आप गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाएं, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्योतिष की दुनिया की लगभग सब कुछ वहां है। अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्त रेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आपका राशि अर्थात धनु राशि वाले जातकों का जुलाई 2020 कैसा बीतने वाला है, कैसा रहेगा उनका जीवन काल। तो आइए अब हम इसे जानते हैं। दोस्तों इस महीना आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल समान रूप से देगा। इतना ही नहीं, नकदी प्रवाह आरामदायक नहीं हो सकता है। प्रेम और दिल जैसे मामलों को प्यार से संभालने की जरूरत पड़ेगी। छोटी भाई बहनों से भी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके व्यवसाय में प्रगति संतोषजनक होगी। दोस्तों आपको पारिवारिक क्षेत्र में आपके अपने ही छोटे भाई बहन के बीच परेशानी होगी, तू मैं होने की संभावना है। इतना ही नहीं, आपको अपने परिवार में सदा चौकन्ना और संभल कर रहने की जरूरत है। दोस्तों आपके खुद अपने व्यवसाय क्षेत्र में भी प्रगति जो है संतोषजनक रहेगी। अपनी नियमित जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी आप जो मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और वे आपसे हाथ मिलाने और आपके साथ काम करने में रुचि दिखा सकते हैं। दोस्तों आप अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय पाने और उन्हें अपना मित्र बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि जुलाई माह आपके लिए ऐसा योग ला रहा है। दोस्तों आप में से कुछ लोगों के लिए काम के लिए यात्रा करने की संभावना होगी, जबकि कुछ शानदार वस्तुओं में रुचि विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार यह जीवन जो है आपके लिए आनंद लाएगा। लेकिन आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव भी आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इस समय आपका आमदनी का जो साधन है, अधिक आमदनी का योग भी बन रहा है। आप धन संग्रह भी करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं दोस्तों तो उसमें झंझटों के साथ तरक्की होगी। कहने का मतलब हुआ, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की होगी, प्रोन्नति होगी, लेकिन प्रोन्नति में उलझनें आएगी। आप उलझन से निबटते हुए आप तरक्की करेंगे अपने उस नौकरी में। मित्रों आपको अपने ही मित्रों से विरोध होगा, सुख में कमी आएगी, वाहन से कष्ट मिलेगा, पुत्र की चिंताएं भी आपको सताएगी। मां शांत में हनुमान जी की आराधना से कष्ट दूर होगा, ऐसा आपके लिए योग बन रहा है। दोस्तों मन यदि शांत हो, चिंता मुक्त हो, तो उस समय आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को ध्यान करें, कष्ट से मुक्ति मिलेगी।
दोस्तों अनियोजित खर्च आपको बढ़ेगा, बिना योजनाओं का खर्च आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, स्वास्थ्य आपको खराब हो सकता है। इतना ही नहीं, संतान पक्ष से शुभ समाचार भी मिल सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट भी सकती है दोस्तों, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। इतना ही नहीं, शरीर में आपको कष्ट भी आने की संभावना है, कोई गंभीर गुप्त रोग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों जुलाई माह में दिनांक 16 के बाद अष्टम में सूर्य होने से शारीरिक कष्ट, क्रोध एवं मानसिक अशांति बनी रहेगी। क्रोध की अधिकता मानसिक तनाव देगा, बनते कार्यों में विघ्न आने की संभावना है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, धनु राशि के कुछ जातक इस माह को पारिवारिक जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे, तो कुछ लोग कष्टमय जीवन जिएंगे। इसके अलावा करियर के क्षेत्र में यह महीना जो है आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, बहुत ही सुखकारी होगा। दोस्तों अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर आपको इस महीने में विशेष फोकस करना होगा, तभी आप सुकून से रह पाएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपके पारिवारिक अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी ग्रहण लगने वाला है दोस्तों, इसलिए सावधान रहें। सावधान रहेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र पर स्थिति आपके पक्ष में ही होने वाली है, इस महीना यात्राएं बेहद कम होगी, लेकिन आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा पर जाने से पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी होगी, नहीं तो आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों सावधान रहें, लंबी यात्रा पर जाएं अच्छी बात है, किंतु लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व आपको पूरी तैयारी करनी होगी। पूर्ण तैयार रहें, तब आप लंबी यात्रा को सुकून पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, सुगमता पूर्वक पूरा कर सकेंगे, अन्यथा इसमें कुछ अड़चने भी आ सकती हैं। दोस्तों मिला जुला कर आपका यह माह भी अच्छा ही रहने वाला है, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब। पहले ही मैं बतला चुका हूँ कि आपका जीवन जितना ही सुखकारी रहेगा उतना ही हानिप्रद भी रहेगा, अतः आपके जीवन में जो उलझने आएगी, जो संकट आएगी, उसे निपटने के लिए, उसे बचने के लिए दोस्तों आप किसी मंदिर में जाकर काले तिल, उड़द तथा काले तिलों का दान करें और साथ ही साथ सूर्य अष्टक का पाठ करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस कार्य से आपको जो विरोधाभास होगा आपके मन में या आपके जीवन में जो कष्ट आने वाली है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों आइए अब इसे हम एक एक कर संक्षेप में बारी बारी से चर्चा कर लें। दोस्तों सबसे पहले मस्तिष्क और बुद्धि, जैसा कि हमने देखा जाना कि इन दिनों धनु राशि वाले जातक जो हैं ये ना ही ज़्यादा लाभ कर पाएंगे ना ही ज़्यादा हानि, अर्थात सामान्य स्थिति पर रहेंगे। इस प्रकार से इनका जो मस्तिष्क और बुद्धि की स्थिति है सामान्य सी रहेगी। दोस्तों धन और संपत्ति का क्षेत्र में ये धन अच्छा आमदनी करेंगे, धन को अच्छा संग्रहित करेंगे। भाई बहन के बीच का जो संबंध होगा इस माह में इनका बहुत अच्छा नहीं होगा, अपने ही कौटुंबिक जन और भाई बहन के बीच जो है सो रुखराव पैदा होगा, खड़ापन पैदा होगा, माता का प्यार मिलेगा, भूमि और भवन से इनको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों संतान का इन्हें अच्छा योग बन रहा है, संतान से इन्हें परम सुख मिल रहा है। दोस्तों संतान विद्या के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगे, विद्या अध्ययन में काफ़ी रुचि जताएंगे। रोग और शत्रु की बात है दोस्तों, इन दिनों धनु राशि वाले जातक रोग और शत्रु दोनों से ही मुक्त हैं। प्रेम और विवाह के बीच
इनका जो दाम्पत्य जीवन है थोड़ा सुखमय तो रहेगा, किंतु इसे सुखमय बनाने के लिए इन्हें स्वयं को सावधान करना पड़ेगा, अन्यथा प्रेम प्रसंग में कुछ विघ्न आ सकती है। दोस्तों, इन दिनों इस समय ये ऋण से मुक्त रहेंगे, ऋण वंचित रहेंगे, ऋण का इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य नहीं होगा। संकट के बादल थोड़ा बहुत लगे रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें शारीरिक और मानसिक चिंताएं प्रायः सताया करेगी। दोस्तों, धर्म में ये लीन रहेंगे, स्वपरिवार मिलकर धन प्रवंचना में भाग कर लेंगे, धर्म में लीन रहेंगे, भाग्य का भी इनका अच्छा साथ होगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, व्यवसाय भी प्रगति करेगी, नौकरी में पद वृद्धि तो नहीं होगी किंतु स्थानांतरण जरूर होगा दोस्तों, ऐसा योग मिल रहा है। आय इनकी अच्छी होगी, लाभ भी मिला जुला कर अच्छा ही होगा। और जहाँ तक खर्च और हानि की बात है तो दोस्तों खर्च भी मिला जुला कर आय से कम ही करेंगे, जिससे ये धन संचय भी करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभू नारायण।